हमें हमारी पहली लिफ्ट मिल चुकी है जो कि अभी मेटोडा तक की है, और कालावर से हम अभी जा रहे हैं रणुजा मंदिर की तरफ जो कि यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर के आसपास है। और ये है रणुजा मंदिर का गेट। रामापीर टेम्पल है, उसका भोजनालय मतलब अन्न सत्र, यहाँ पर एक दिन एक रात का होता है करीबन 200 रुपये के आसपास इसका रेंट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल हूँ मैं। तो गाइस अभी इस वक्त मैं हूँ कालावर रोड पे, और कालावर रोड से अभी मैं जा रहा हूँ कालावर की तरफ, और कालावर से हम आगे जाएंगे रणुजा मंदिर की तरफ जो कि यहाँ से करीबन होता है 55 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के, और आज भी हम हिचहाइकिंग ही करने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ चलते हैं, कैसा रहता है हमारा सफ़र देखते हैं। गाइस हमें हमारी पहली लिफ्ट मिल चुकी है जो कि अभी मेटोडा तक की है। गाइस उस भाई ने हमें यहाँ पर ड्रॉप किया था मेटोडा GIDC गेट 1 के पास, और अब हम यहाँ से अपनी दूसरी लिफ्ट ढूंढेंगे, देखते हैं कब तक मिलती है हमें हमारी दूसरी लिफ्ट। तो गाइस हमें हमारी दूसरी लिफ्ट भी मिल चुकी है जो कि मेटोडा से हमें मिली है, और अभी हम जस्ट जा रहे हैं कालावड़ की तरफ, और ये डायरेक्ट लिफ्ट हमें मिली है मेटोडा से, वो डायरेक्ट कालावड़ तक की है। तो अब हम आपको डायरेक्ट कालावड़ में ही मिलेंगे। तो गाइस उस भाई ने हमें यहाँ पर कालावड़ में ड्रॉप किया है, और कालावड़ से हम अभी जा रहे हैं रणुजा मंदिर की तरफ जो कि यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर के आसपास है। और रणुजा मंदिर का जो रास्ता है वो यहाँ से करीबन होता है 500 मीटर के आसपास, जो कि अभी मैं चल के जा रहा हूँ। इस तरफ से आता है रणुजा मंदिर का रास्ता, और कुछ व्यू, तो चलिए चलते अब आगे की तरफ। इस तरफ है रणुजा मंदिर तरफ जाने का रास्ता, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रणुजा इस तरफ है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किया। इसमें लिखा हुआ है रणुजा 7 किलोमीटर। तो गाइस हमें एक और लिफ्ट मिल चुकी है जो कालावड़ से रणुजा मंदिर तरफ तक की है, और अभी बस हम उस लिफ्ट में ही जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ आगे का व्यू। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ रणुजा मंदिर के पास, और उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बाजार पड़ता है जो कि यहाँ पर बच्चों के खिलौने और वो सभी यहाँ पर मिलते हैं इस तरफ। और ये है रणुजा मंदिर का गेट, जो कि हम अंदर की तरफ अभी जा रहे हैं। ये है पूरा रणुजा मंदिर, यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई है जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और इस तरफ है रामापीर की पूरी आत्मकथा यहाँ पर। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर पूरी की पूरी उसकी लाइफ दर्शाई गई है।
और गैस अभी हमने जो देखा वो न्यू रणुजा था, और अभी हम जा रहे ओल्ड रणुजा की तरफ जो कि अभी इस तरफ आता है। और बस चलते हैं मंदिर की तरफ। ये कुछ ऐसा गेट है ओल्ड रणुजा का। और गाइस इस तरफ है जो रामापीर टेम्पल है उसका भोजनालय, मतलब अन्नसत्र। और इस तरफ किचन है, और इस तरफ किचन है। यहाँ पर सभी जो भक्त होते हैं उनको उनका खाना यहाँ पर ही बनता है। और ये पूरे का पूरा बड़ा सा हॉल जहाँ पर सभी भक्तों को खाना खिलाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है इस सभी जगह पर। और यहाँ पर करीबन 500 से 1000 जितने लोग डेली को आते हैं। तो कल गाइस चलते हैं बाहर की तरफ। और गाइस इसकी टाइमिंग है सुबह के 11:30 की टाइमिंग है, 11:30 पर ये स्टार्ट हो जाता है और दोपहर को 2:30 बजे तक रहता है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ और कुछ व्यू इस तरफ का। और गाइस इस तरफ है कुछ भक्तों के लिए रहने की जगह, जहाँ पर आप आओ तो आपको रात बितानी हो तो आप यहाँ पर बिता सकते हो। यहाँ पर एक दिन एक रात का होता है करीबन 200 रुपये के आसपास इसका रेंट, और ये नॉर्मल कमरे हैं। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। और जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी यहाँ पर मानसून के मौसम में हो, मतलब सितंबर के मंथ में आते हो, तो यहाँ पर आपको जो मेला होता है उसका भी आपको लाभ मिलेगा यहाँ पर। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।